So guys, most of time people ask me, Toy, please tell me what is better, sales funnel or website? Please tell me, I want to start affiliate marketing like this. Yes guys, बहुत समय बहुत टाइम एवरी टाइम मैं बोलूंगा कि लोग मुझसे ये क्वेश्चन जरूर करते हैं जब भी मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूं बात करने की कोशिश करता हूं अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग तो वो मुझसे ये क्वेश्चन जरूर करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग हम स्टार्ट तो करें बट वेबसाइट से करें सेल्स फनल से करें कैसे करें बार बार ये क्वेश्चन मुझे आता है तो आज फाइनली आपके इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं देने वाला हूँ विथ डिटेल और इसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी कि सेल्स फनल बेटर है कि वेबसाइट बेटर है सो लेट्स गेट is started. So guys, my name is Steven. I'm the best in the world and you are watching Online Money as usual and welcome back to the channel. Seedha hum board pe chalenge aur baat karenge kya cheez better hai, sales funnel ya website. So let's go on the board. So guys, we are on the board. You can see here. So sabse pehle main baat karunga websites ki, okay? This is your website. What's that? Website. And this is your customer. So, आपका कोई भी इनिशियल डिपेंड करता है आप पे आप उसके बारे में रिव्यू दोगे ओके या आप उसके बारे में एक ब्लॉग बनाओगे कोई भी पर्टिकुलर एक नीश पकड़ लो या आपका मोबाइल है या कुछ भी है तो मोबाइल के बारे में आप बहुत सारी चीजें लिखोगे वेबसाइट में राइट बहुत सारी लाभ 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 और यहाँ आपके एड्स चलेंगे जो अलग से आपने एडसन लगा के रखा है या जो भी लगा के रखा है ठीक है सो बहुत सारी चीजें कभी एड कभी यहाँ पर आपके इमेजेस कहीं आपने रिव्यू दिया है तो यहाँ पर 100 तरह की चीजें ऑन योर वेबसाइट राइट कोई भी आपका कस्टमर आता है लाइक दिस इज योर कस्टमर एंड दिस कम ऑन योर वेबसाइट ओके सो ये आया आपके वेबसाइट पे आया ये इसने पढ़ा लाभ 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 वन डिस्ट्रेक्शन क्योंकि इसने यहाँ पढ़ा तो यहाँ एक एक लाइन इसको रोक रही है फिर इसने नीचे पढ़ा तो यहाँ एक लाइन इसको रोक रही है फिर इसने यहाँ गया तो यहाँ इसको वेब एक आपका एड्स रोक रहा है फिर ये यहाँ गया तो इसको यहाँ एक इसका एड रोक रहा है फिर ये यहाँ गया तो इसको यहाँ एड्स रोक रहा है मतलब लॉट ऑफ ब्लॉकेज ऑन योर वेबसाइट ओके lot of blockage on your website मतलब आपका कस्टमर कभी इधर जा रहा है 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 मतलब वो कंफ्यूज हो रहा है और जब लोग कंफ्यूज होते हैं तो वो ज्यादा अच्छा मतलब मानते हैं कि कहना नो कि नो टू बाय नो टू बाय मतलब वो आपकी वेबसाइट से बाय नहीं करेंगे क्योंकि ऑलवेज एक कंफ्यूज माइंड हमेशा ये पसंद करता है कहना कि नो नो आई डोंट गोइंग टू बाय फ्रॉम योर वेबसाइट बिकॉज आप उसको इतना सारा ब्लॉकेज दे रहे हो यहाँ रोक रहे हो उसको यहाँ रोक रहे हो कभी वो यहाँ पढ़ रहा है कभी वो यहाँ पढ़ रहा है मतलब बहुत सारे ब्लॉकेज उसको रोक रहे हैं उसके एक चीज को खरीदने के लिए ठीक है क्योंकि आपने इतना बड़ा रिव्यू दिया और लास्ट में आपने बटन रखा है प्लीज गो एंड बाय दिस बाय नाउ वॉट एवर ठीक है तो यहाँ इतने सारे ब्लॉकेज आप उसको दे रहे हो कभी ये कभी वो कभी वो तो वो कैसे खरीदेगा वो तो कन्फ्यूज हो जाएगा एंड ऑलवेज कन्फ्यूज माइंड से नो सो दैट जब वो कंफ्यूज हो जाएगा तो आपसे खरीदेगा नहीं लाइक दिस इज योर स्टोर कोई भी आपका स्टोर है ठीक है और आप ये स्टोर खोल के रखे हो और यहाँ कुछ लोगों का आपने खड़ा कर दिया वो लोग आपके कस्टमर को अंदर जाने से रोक रहे हैं बस यही चीज आपकी वेबसाइट में हो रहा है ठीक है मान लो ये आपका स्टोर है और यहाँ आपने बहुत सारे लोगों को खड़े कर रखा है ये आपका कस्टमर ये अंदर आना चाहता है लेकिन ये लोग उसको रोक रहे हैं तो यही चीज आपके भी वेबसाइट में होती है आप सीधा जो आपका कस्टमर है वो एक सही चीज के पास नहीं जा सकता लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं एग्जांपल देता हूं अपने फ्लिपकार्ट का अमेजोन का या वॉट एवर जो भी ऐसी साइट्स हैं ठीक है तो जो भी ट्रेडिशनल साइट्स चले आ रही हैं ये सब ट्रेडिशनल है ओके तो लोग जैसे कि कोई भी शॉप में आते हैं जाते हैं तो उनको एक स्पेसिफिक जगह नहीं मिलती ठीक है वहां मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं देखना लाइक आप कहीं पर गए मान लो किसी जगह किसी शॉप में जाते हो वहां आपको चाहिए मोबाइल लेकिन वहाँ बहुत सारे सेक्शन है कभी इधर जाना कभी उधर जाना कभी इधर जाना कभी उधर जाना तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे आप अपने स्पेसिफिक चीज के पास नहीं पहुंच पाओगे कम टाइम में और कम एफर्ट में और लोग क्या चाहते हैं कम टाइम में और कम एफर्ट में उनके काम हो जाए लेकिन वहाँ नहीं होंगे तो आपको वो चीज उनको देनी है अब लाइक हम लोग बात करते हैं सेल्स फनल की अब सेल्स फनल आपका कुछ होता है ऐसा 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 ठीक है ये एक ऐसा लोग बना के बताते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता अब यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस है लाइक आपने एक रिटेल शॉप खोली है आपका कोई रिटेल शॉप हो सकता है चाहे वो कपड़े का हो चाहे मोबाइल का हो किसी का भी हो ठीक है आपने कोई रिटेल शॉप खोला है वहाँ अलग अलग आपके पूरे सेक्शन है ठीक है लेकिन आपने क्या किया है आपने एक इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से पूरी चीजें तैयार की अब यहां पर आपने एक बंदे को खड़ा करके रखा है जो आपके कस्टमर को सही डायरेक्शन देता है
तो आपका कोई भी कस्टमर आता है एंड इस बंदे से कहता है कि मुझे चाहिए मोबाइल, लाइक एग्जांपल उसे चाहिए मोबाइल, तो ये बंदा क्या बोलता है, ओके सर लेट्स कम विथ मी, और ये बंदा इस बंदे को ले जाता है और ये ले जाके यहाँ इसको मोबाइल के सेक्शन में ले जाके खड़े कर देता है और बोलता है सर दिस इज योर सेक्शन, गो एंड जस्ट टेक योर मोबाइल। ओके सो ये बंदा जाता है और जाता है अपना मोबाइल लेके खुश हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको एक बंदा मिला, ये सीधा ले गया यहाँ पर, यहाँ आपका मोबाइल मिल रहा है, प्लीज गो एंड टेक योर मोबाइल, चूज योर मोबाइल एंड लेके जाओ घर, सीधा सीधा सिंपल सिंपल। तो ये क्या है, ये भी एक हैप्पी फेस हो गया आपका, ठीक है, और आप भी हैप्पी फेस हो गए क्योंकि आपको भी आपके पैसे मिल गए, ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा काम हो गया, बिकॉज ये कंफ्यूज नहीं होगा, अगर ये मान लो यहाँ जाता तो इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, हो सकता है ये आपका मोबाइल जाके नहीं खरीदता बिकॉज ये थक चुका है, ठीक है, इसको अच्छा नहीं लगा, इतना आपने घुमा दिया इसको। तो बहुत सारे ब्लॉकेज के बाद जब कस्टमर आपने नीड तक पहुंचता है तो वहां वो ज्यादा चांस रहता है वो कहने वाला है नो, बिकॉज वो पहले ही थक चुका है, और बहुत सारे अब वो सोच रहा है क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, इतनी सारी चीजें उसको दिखने लगी है, ठीक है, आपके रिटेल में कैमरा भी होगा, मोबाइल भी होगा, लैपटॉप भी होगा, जो भी होगा, उसको इतनी सारी चीज देखने लगी है, वो कंफ्यूज होते जा रहा है क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। सो आपको उसको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट उसको सही जगह भेजना है, लाइक जैसे आपने एक रिटेल स्टोर खोला और डायरेक्ट अपने वर्कर की हेल्प से उसको सही जगह भेजा, तो आप भी खुश, आपका वर्कर भी खुश, उसको भी पैसे मिल गए और आपको भी पैसे मिल गए। सो वही काम होता है सेल्स फनल में, आप पहले उससे पूछते हो क्या आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, और फिर उसके बाद आप उसको नेक्स्ट पेज पे भेजते हो, वहां आप बोलते हो ये प्रोडक्ट आपकी ये हेल्प करेगा, थर्ड में आप उसकी हेल्प सॉल्व करते हो, चौथे में जाके वो आपको खरीद लेता है और आपको डायरेक्ट डायरेक्ट डॉलर मिल जाता है। तो ये काम करता है सेल्स फनल और ये इम्पोर्टेंट है सेल्स फनल में, इसलिए लोग बोलते हैं कि सेल्स फनल में कन्वर्जन ज्यादा होते हैं क्योंकि कम टाइम में कम एफर्ट में लोगों को लोगों की नीड मिल जाती है। जैसे ये मैं मान लो यहाँ पर मोबाइल के बारे में बात किया, सो यू वांट दिस मोबाइल एप्पल, हाँ यू लाइक एप्पल, ओके गो फॉर हेड, जस्ट उसने नेक्स्ट बटन क्लिक किया, दूसरे में गया, वहां मैंने बताया कि ये बहुत अच्छे एप्पल के फीचर है, इससे फोटो अच्छा आता है, इससे ये अच्छा आता है, फिर वो एक्साइटेड हुआ, फिर वो नेक्स्ट में गया, उसने देखा प्राइस, ओके या आई रियली वॉन्ट दिस मोबाइल, जस्ट उसने क्लिक किया और जस्ट आपको डॉलर मिल गया, दैट इज कॉल्ड सेल्स फनल। ऐसे करके सेल्स फनल काम करता है, और वही वेबसाइट बहुत सारे आपके कस्टमर्स को ब्लॉक करती है और आपके कस्टमर वहां पर चल जाते हैं क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा ब्लॉकेज होता है, इतना ज्यादा उनको रोका जाता है आगे जाने से, तो ये प्रॉब्लम होती है और वहां आप बहुत सारे सेल्स खो देते हो। लेकिन वही अगर आप सेल्स फनल में किसी एक प्रोडक्ट को उसके कस्टमर तक, उसके पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाते हो, तो वो ईजी नीचे तक जाता है और आपकी चीजों को बाय कर देता है, जैसे आपने अपने रिटेल शॉप में किया, उसको ले गया, डोर से इन कराया, फिर दूसरे सेक्शन और तीसरे सेक्शन और चौथे सेक्शन में जाके आपने बताया कि ये यहाँ है आपका मोबाइल, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। जस्ट वही काम करता है आपका सेल्स फनल जो पूरा ऑटोमेटिक होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेल्स फनल और वेबसाइट में क्या अंतर होता है। एंड आई नो गाइज नाउ यू आर थिंकिंग कि सेल्स फनल कहाँ बनाए, कैसे बनाए सेल्स फनल, कैसे बनता है, क्या कैसी चीजें होती हैं, कैसे आप इजी बना सकते हो सेल्स फनल को, ये चीज आप सोच रहे हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप सेल्स फनल कहाँ बना सकते हो, वो भी बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही ज्यादा सेल्स फनल, जितनी आपको जरूरत हो उतने सेल्स फनल और बहुत ही ज्यादा ईजी वे में। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सेल्स फनल कहाँ बना सकते हो। तो गाइज वी आर इन द बिल्डर, ये बहुत ही ज्यादा अंडर रेटेड टूल है जहां आपको हर चीजें, मतलब हर चीज वो चीज मिल जाती है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए चाहिए, और यहाँ पर आप सेल्स फनल एंड एवरीथिंग बना सकते हो, लैंडिंग पेज, वेबसाइट, ब्लॉग, जो आपका मन करे वो बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैं 10 सेल्स फनल रन कर रहा हूँ इस समय, एंड यहाँ आपको मेलिंग बॉस, मेल ऑटो, ईमेल ऑटोमेशन एंड एवरीथिंग, जो भी आपको डिजाइन करना है, डिजाइन ऐप बनाना है, ऐप ई लर्निंग के कोर्सेज बनाने हैं, ई लर्निंग के कोर्सेज बना सकते हो, ई बुक्स बना सकते हो, जो आप चाहो वो बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको अंडररेटेड टूल में मिल जाती हैं जो बहुत ही ज्यादा इस समय अंडररेटेड है, और इन फ्यूचर ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और इवन आप इसकी एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए आपको नीचे दो वीडियो मिलेगी, आप उस वीडियोस को क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माई साइट्स, न्यू वेबसाइट्स एंड सेल्स फनल, तो यहाँ बहुत सारे आपको सेल्स फनल मिल जाते हैं जहाँ आप सीधा सीधा बस उनको एडिट करके अपने सेल्स फनल में कन्वर्ट कर सकते हो, जिस भी प्रोडक्ट के लिए आप बनाना चाहते हो सेल्स फनल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेल्स फनल मिल जाते हैं, देख रहे हो हर टाइप के सेल्स फनल मिल जाते हैं, तो डिपेंड करता है आप कि आपको किस टाइप का सेल्स फनल चाहिए, बस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एडिट करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड टूल है जो आपको $49.9 में मिल जाता है, और सारी डिटेल जानने के लिए आप नीचे चेक कर सकते हो।
अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप थोड़ा सा चाहते हो कि आप मुझे अप्रिशिएट कर दो, प्लीज कमेंट करो, एक बहुत अच्छा कमेंट करो, और शेयर करो इस वीडियो को उन एफिलिएट मार्केटर्स के साथ जो अभी बस स्टार्ट करना चाहते हैं और इस इंडस्ट्री में आए हैं, ताकि उनका जो ये कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो जाए और वो कभी भी एफिलिएट मार्केटिंग को नो नहीं कहें। सो दिस इज द वेरी वेरी गुड फॉर मी एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय, जय हिंद।